हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, स्वागत है इस नए वीडियो में। इसमें बात करने वाले हैं झारखंड ग्रामीण विकास में जो है वैकेंसी निकाली गई है, इसका जो है कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसमें जो है तीन प्रकार के अलग अलग पद रहने वाले हैं। पहला पद जो है प्रशिक्षण समन्वयक का रहने वाला है, दूसरा जो है प्रखंड समन्वयक का है, उसके बाद से तीसरा जो पद है लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एज क्या होनी चाहिए, कितना सैलरी मिलेगा और कैसे आपको फॉर्म को फिल भी करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, आपको झारखंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का फॉर्म फिल करने के लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। अब यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कब से कब तक फॉर्म को फिल किया जाएगा, अप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं देना आपको, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 7 रहने वाला है। हालांकि थोड़ा सा वैकेंसी की संख्या यहाँ पे कम है, लेकिन जो भी है फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। आप नीचे आएंगे तो सैलरी के बारे में बताया गया है और यही भी आपको देखिए अप्लाई ऑनलाइन का भी यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, जो PMAY है मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, फतेहा डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में अवस्थित है वहीं पे वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो है कब से कब तक फॉर्म को फिल किया जाएगा, ये ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे जो वैकेंसी का नाम बताया गया फ्रेंड्स, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के एक पद है, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के एक पद है, अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पे जो है 5 पदों वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया कि कितना आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेंगे फॉर्म फिल करते हुए। अब यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे आपको जो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन बताई गई 15 जुलाई की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बोला गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला प्रखंड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना। और यहाँ पे देखिए बोला गया है कि कितने पद हैं, क्या सैलरी रहेगी, तो यहाँ पे प्रशिक्षण समन्वयक एक पद है, जो कि यहाँ पे बोला गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के साथ या सोशल वर्क में अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ 3 साल का आपको जो कार्य अनुभव भी बोला गया है, 22 से 45 वर्ष की उम्र सीमा चाहिए और 35,000 आपको सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। वही प्रखंड स्तर पर 2 वैकेंसी है। पहला वैकेंसी फ्रेंड्स प्रखंड समन्वय का, जिसमें बोला गया है कि आपको एक पद है और इसमें बोला गया है सेम क्वालिफिकेशन मान्यता विश्वविद्यालय से या संस्था से आप रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में स्नातक किए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और साथ ही साथ 1 वर्ष का आपको कार्य अनुभव भी यहाँ पे चाहिए और 18,000 सैलरी आपको, 22 से 45 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। उसको से फ्रेंड्स यहाँ पे लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पे 5 वैकेंसी निकाली गई है, अनारक्षित 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे जो है 3 पदों पे जो है यहाँ पे सीट रिजर्व रखा गया है। इसमें बोला गया है कि आप जो है कॉमर्स विषय के साथ अगर आप इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है और साथ ही साथ आपके पास जो है DCA सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आपको जो है 6 माह का DCA सर्टिफिकेट चाहिए और तथा हिंदी और अंग्रेजी में आपको जो है टाइपिंग भी चाहिए तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 18 से 30 वर्ष एज बोला गया, 10,000 आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। आप नीचे आएंगे तो यहाँ बोला गया है उम्र की गणना 1/7/2021 के आधार पर की जाएगी और इस वेबसाइट से आपको फॉर्म को फिल करना है 20 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2021 तक आप जो फॉर्म को फिल करेंगे। अब चलिए जान लेते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो फिर आपको इसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, करंट अपॉर्चुनिटी आप क्लिक करेंगे करंट ओपनिंग पे, तो यहाँ पे देखिए जहां भी वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे आप जो डिपार्टमेंट चूज करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो जो भी डिपार्टमेंट वैकेंसी अभी चल रही है यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। झारखंड के लिए स्पेशल ये वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं बताई गई है। तो यहाँ पे 2 जगह वैकेंसी आई है, पहली वैकेंसी फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं लतेहर डिस्ट्रिक्ट से निकाली गई है और दूसरी जो वैकेंसी फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुंती डिस्ट्रिक्ट से निकाली गई है, तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको जिसके लिए आवेदन करना होगा आप इस रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना नाम लिखेंगे, यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपको याद रहे, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो RAHUL@123 ऐसे करके आप पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर लेंथ का होना चाहिए, उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर देगा और यहाँ पे सक्सेसफुली कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपको अपना जो यहाँ पे
ईमेल आईडी लिखना है, जो भी आप ईमेल आईडी फॉर्म फिल करते वक्त दिए थे वो आप यहाँ पे जो है लिखेंगे। उसके बाद से आपको जो है पासवर्ड लिखना है, जो भी आप पासवर्ड फिल किए थे जब बनाए थे पासवर्ड, उसको बाद से यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। जिससे लॉग इन करेंगे यहाँ पे देखिए आपको जो है आ जाएगा, इसके सामने आपको जो जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने वाले पद पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो कुछ जानकारी शो करेगी आपके बारे में, जो आप फॉर्म फिल करते वक्त दिए थे यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स आपका शो करेगा, वेलकम आपका नाम शो करेगा और आपको बता रहा है कि आप जो है किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए लॉग आउट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आपकी जानकारी भी शो कर रही है कि आपने जो भी जानकारी फिल किया यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, उसके बाद से आगे स्टेप बढ़ेंगे तो क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, उसके बाद से आगे तीसरे स्टेप पे इंप्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, चौथे स्टेप पे रिजर्वेशन, उसके बाद से पांचवे स्टेप में आपको फोटो सिग्नेचर लगानी है, छठे स्टेप में आपको जो फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। तो ये आपको जो सिक्स स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं, इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल जानकारी बता दिया हूँ, नोटिफिकेशन के बाद जरूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकाली है, लातेहार का और उसके वजह से दूसरा जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है खूंती का जो है, यहाँ पे हम इसको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं, खूंती में भी यहाँ पे जो है एक पदों पे वैकेंसी निकाली गई है जो कि यहाँ पे मात्र एक पद रहने वाला है। और इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं खूंती के लिए तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ये भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करके बताया और फाइनल तब करिएगा जब आप यहाँ पे जो है ये छह स्टेप आपका जो है फिल हो जाएगा, तब आप फाइनल सबमिट होगा। तो इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, मैंने आपको लगभग जानकारी दे दिया है, मैंने आपको सारी जो है प्रक्रिया भी बता दिया है, क्वालिफिकेशन कहां की वैकेंसी है, सैलरी क्या होने वाला है, एज क्या होने वाला है। आप एक बार जो अपने स्तर से जो है जरूर यहां पे चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा और यहां पे इस तरह से स्टेप्स को फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।